हाँ जी ऑल व्यूअर्स सत श्री अकाल सारिआं नूं, तां तुहाडा स्वागत है साडे चैनल दे उपर, सन एजुकेशन चैनल दे उपर। ते प्लीज़ साडे चैनल नूं सबसक्राइब करो एंड बैल आइकन नूं दबा दिओ तां कि इन फ्यूचर जदों असीं कोई वीडियो पाईए तां उहदा जिहड़ा नोटिफिकेशन है उह तुहाडे तक चला जावे। ते अज फ्रेंड्स आपां जिहड़ी एक्सरसाइज है शुरू करन जा रहे हैं उह है एक्सरसाइज 3.3। तो इस दे विच इक न्यू मैथड है, ठीक है, ज़्यादा समा नहीं आपां वेस्ट करते, हुण स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये जो एक मैथड है वह है सबसटीट्यूशन मैथड, ठीक है जी। सबसटीट्यूशन मैथड जिन्हों असी पंजाबी दे विच प्रतिस्थापन विधि भी बोलते हैं। तो प्रतिस्थापन या सबसटीट्यूशन का भाव यह है कि असी एक की जगह पर किसी दूसरी चीज़ का उपयोग करना, ठीक है। एक इकोनॉमिक्स के भी टर्म आती है, ठीक है, मतलब कि कहता कि भाव है एक की जगह के उपर दूसरी चीज़ को प्रतिस्थापित कर देना। आप आम भाषा के यूसी यूज़ करते हैं एक की जगह के उपर दूसरी चीज़ का उपयोग करना। तो देखो इस दे विच ज़्यादा आप कह सकते हैं इंट्रो देने की ज़्यादा खास जरूरत नहीं हैगी, जो आप सम करांगे तुहानू ऑटोमैटिकली है जो जो भी चीज़ा ने जो फंडे ने इन सवालों के वो तुहानू समझ आ जाएंगे। सो शुरू करते हैं अपनी अज की एक्सरसाइज 3.3। हाँ जी, तो एक्सरसाइज 3.3 दे विच फ्रेंड्स देखो कि आ जिहड़ा फस्ट पार्ट है, फस्ट पार्ट का जिहड़ा फस्ट सम है आप उसनू सॉल्व करते हैं। देखो जिहड़ा आप एक प्रोसैस एक प्रोसीजर जिहड़ा आपां फस्ट सवाल दे विच आपां यूज़ करांगे उही सारे सवालों दे विच यूज़ होएगा। तो उसी नूं आपां सबसटीट्यूशन मैथड बोलते हैं। जिदा कि अपने कोल पहला की है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है। हाँ जी, आपां करना की है, अपने कोल एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद टू वेरीएबल्स लाइक एक्स एंड वाई आपां नूं दिता होया गा। आपां की करना गा, आपां नूं इक्वेशन होगा दो फस्ट एंड सैकेंड, ठीक है। तो आप की करना गा एक इक्वेशन दे विचों आपां एक्स जां वाई दी वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान नाल सुन लो जी, ठीक है, एक दे विचों आपां की है एक्स जां वाई दी वैल्यू फाइंड करनी है। तो जिहड़ी वह वैल्यू आ गई उसनों आपां दूसरी जिहड़ी इक्वेशन है उस दे विच पुट करना गा, ठीक है, सबसटीट्यूट करना गा। तो उस तो बाद आपां नैक्सट स्टैप बाय स्टैप एक्स एंड वाई जिहड़े वेरीएबल ने उन्हां दी आपां जिहड़ी वैल्यू आ उह फाइंड करनी आ, जस्ट इन्नी कम। सो देखते हैं आपां तां किदां होएगा। ये देखो जी, ये अपने कोल इक्वेशन नंबर 1 हो गई है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है, ठीक है। तो मैं इत्थे लिख दांगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 दे विच मेरे कोल की है, इक्वेशन 1 दे विच मेरे कोल हैगा एक्स प्लस वाई। देखो पहला काम आपां की करना गा, इक्वेशन 1 दे विच देखो जां हरेक इक्वेशन दे विच जां हरेक जदों भी आपां मैथड यूज़ करांगे तां पहले आपां ये करना गा भी एक वेरीएबल नूं आपां एक साइड दे उपर कर देना गा, बाकी जो भी अपने कोल उधर होया उस इक्वेशन दे विच होया सॉरी उसनू आपां की है दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, बट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ मैथ, ठीक है, मैथ के जिहड़े रूल ने उन्हां दे अकॉर्डिंग। देखो इत्थे मेरे कोल वाई है जिहड़े प्लस हो रहा है ना, तो उधर चल के की हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू 14 माइनस वाई हो जाएगा ना। तो हुण देखो मैं एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, वह की आ गई 14 माइनस वाई, ओके जी। तो हुण की आ, हुण आपां इत्थे एक थोड़ी स्टेटमेंट लिखांगे, तो वह की लिखांगे, देखो सबसटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, मतलब कि जिहड़ी एक्स की वैल्यू है उसनों आपां प्रतिस्थापित करांगे किहड़ी इक्वेशन दे विच, इक्वेशन 2 दे विच। इक्वेशन 2 अपने कोल की है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4 है, बस जी। हुण आपां की करना गा, जिथे भी अपने कोल एक्स है उत्थे आपां की पुट करांगे 14 माइनस वाई। तो मैं पुटअप करदा 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। देखो जी हुण अपने कोल 14 आ गया, माइनस वाई ये प्लस हो जाएंगे, बट साइन कहदा आएगा माइनस का, माइनस 2 वाई इक्वल टू 4। हुण अपने कोल की आ गया, यह माइनस 2 वाई है, ये 4 है, ये 14 है, इधर चल के की होने माइनस के 14। तो हुण अपने कोल फिर आ गया जी माइनस 2 वाई इक्वल टू 4 माइनस 14, तो माइनस के 10 आ जाएंगे जी, माइनस नाल माइनस कट गई है, ये 2 ये वाई के नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर चल के हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10 वाई 2। तो वाई की जी वैल्यू है वो मेरे को आ गई है 5 आ गई आ गई है। तो इस ढंग के हुण आपां की है, हुण आपां एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स वास्ते आपां देखो, तो देखो जी हुण मैं की आ
putting the value of y equal to 5 in equation 1. देखो जी हुण तुहाडे कोल की है इक्वेशन वाई की वैल्यू आ गई है तुहाडे कोल इत्थे एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जिस की भी वैल्यू आ जाए जिस भी वेरीएबल की उसनों किसी भी इक्वेशन पुटअप कर लो. चलो मैं वन के पुटअप कर रहा कर रहा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 है. ठीक है तो उत्थे की है मैं हुण वाई की जगह पर की पुटअप कर देंगा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 14 तो एक्स मेरे को आ जाएगा 14 ए 5 उस लगे की हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू की आ जाएगा 9. तो हम अपने अपना जो सम है वह सॉल्व हो चुका है. हम अपने को एक्स इक्वल टू 9 आ गया वाई इक्वल टू की आ गई 5 आ गई. तो फ्रेंड्स ये अपना आंसर आ गया. हुण बाकी सारे जिन्ने भी सम ने वो इसे ढंग के नाल होंगे. चलो हुण आपां सैकेंड सम नूं आपां सॉल्व करते हैं. हाँ जी सैकेंड सम दे विच अपने कोल की है जिदा एस माइनस टी इक्वल टू 3 एस वाई 3 प्लस टू टी वाई 2 इक्वल टू 6. तो यह अपने को दो इक्वेशन दिखाई हुई ने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो हम देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 बिल्कुल सेम प्रोसैस उदा ही फ्रॉम इक्वेशन 1 तो घबरा नहीं है. ठीक है भी अपने को फ्रैक्शन के आ गया. ठीक है भिन्न के आ गया इस तो घबरा नहीं आप जस्ट अपने जो मैथ के रूल ने आप उन्होंने फॉलो करना गा तो अपना जो सम है वह एक सही रस्ते वाल अपने आप वधेगा. फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 1 के मेरे को है एस माइनस टी है. देखो इतों मैं एक नूं एक साइड के उपर रख लाँगा तो 3 टी उस जगह की हो जाएगा प्लस का हो जाएगा. हुण मैं एस की वैल्यू फाइंड कर ली है एस की मैं जी वैल्यू है वह फाइंड कर ली है तो हुण वही स्टेटमेंट आप फिर लिखांगे सबस्टिट्यूटिंग दी वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन 2 मतलब कि जी 2 इक्वेशन नंबर है. ठीक है इस दे विच आप पुट अप कर देंगे वैल्यू नू तो एस मेरे को उपर सी. ठीक है एस वाई 3 सीगा तो एस की जगह पर मैं पुट अप करेंगा 3 प्लस टी वाई 3. ठीक है जी उस बार फिर प्लस फिर टी वाई 2 इक्वल टू 6 यही सीगा नहीं जी. हम मैं इतने वैल्यू पुट अप करती इतने कन्फ्यूजन ना हो जाए तो कहते. ठीक है ये टी है ये भी टी है प्लस नहीं है तो हम अपने को आ गया. हम अपने को आ गया जी देखो तो इन का आप एलसीएम ले सकते हैं. ठीक है 3 एंड 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा. तो एलसीएम के रूल एंड रेगुलेशन तुम्हें पता ही होंगे. ठीक है तो 6 से मैं 3 डिवाइड कराँगा कितना आ जाएगा मेरे को 2 आ जाएगा. 2 नूं मैं उपर जी पूरा जोड़ा एक संख्या हैगी इस मैं मल्टीप्लाई कराँगा 2 नाल तो 2 3 सा 6 प्लस 2 टी प्लस हुण 2 6 तो फिर मैं डिवाइड कराँगा 2 नूं तो 3 आ गया. 3 नूं मैं टी नाल डिवाइड किया तो कितना आ गया 3 टी इक्वल टू 6. ठीक है जी तो हुण अपने को आ गया ये देखो अपने को आ गया 2 टी प्लस 3 टी प्लस 6 तो 2 टी प्लस 3 टी इक्वल टू 5 टी कितना आ गया जी 5 टी 5 टी 6 प्लस 5 टी वाई 6 इक्वल टू 6 वाई 1 कर सकते हैं आप. ठीक है तो 6 प्लस 5 टी वाई 6 इक्वल टू 6 वाई 1 तो इसनों पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस ढंग हो जाएगा. तो इधर की आ जाएगा अपने को 6 प्लस 5 टी इक्वल टू 6 जा 36 तो 5 टी 36 ए वाला 6 उधर जाके की हो जाएगा माइनस हो जाएगा 5 टी इक्वल टू 30 तो टी दे नाल 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 30 बाय 5 इक्वल टू 6 तो टी दी वैल्यू अपने को फ्रेंड्स की आ गई है 6 आ गई. तो हुण टी दी वैल्यू अपने को 6 आ गई है तो हुण आपां करांगे बाय पुटिंग द टी इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 को 1 दे विच पुट करांगे आप क्योंकि 1 जिहड़ी सिंपल जी इक्वेशन है. ठीक है तो एस माइनस टी टी दी जगह ते मैं 6 पुट करूँगा इक्वल टू
ता की आ जाएगा जी अपने को एस इक्वल टू थ्री ए माइनस द सिक्स है, उस जगह की हो जाएगा प्लस द सिक्स हो जाएगा। एस इक्वल टू कि आ गया जी नाइन, तो टी अपने को सिक्स, एस इक्वल टू नाइन टी इक्वल टू सिक्स, ये अपना आंसर आ गया। हाँ जी स्टूडेंट्स बहुत सौखा सी ना, ठीक है। तो देखो तुम्हें यही चीज़ में ध्यान रखना है भी आप एक जी इक्वेशन है उस किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करा, तो दूसरी के उसको पुट करा, बस जस्ट इन्हीं कम। हाँ जी हम अपना नैक्सट सम वल वधते हैं। हाँ जो नैक्सट सम है वह की कहता गा लाइक थर्ड सम, ठीक है, फस्ट पार्ट का जो थर्ड सम है वह की कहता गा थ्री एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, नाइन एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन। ये अपने को इक्वेशन नंबर वन हो गई है, ये इक्वेशन नंबर टू हो गई है, ठीक है जी। तो हम अपने को है फ्रॉम इक्वेशन वन बिल्कुल सेम प्रोसैस है, हम मैं थोड़ा फास्ट कर लाँगा, ठीक है, क्योंकि अब सारे सम सॉल्व करने नहीं। फ्रॉम इक्वेशन वन तो की है, फ्रॉम इक्वेशन वन मेरे को हो गया थ्री एक्स प्लस माइनस वाई इक्वल टू थ्री है ना, तो हम आप थ्री एक्स एक साइड रख लें, तो थ्री एक्स मेरे को एक साइड रह गया, थ्री ए वाई उधर जाके प्लस का हो गया, ठीक है। थ्री इधर की हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा जी। तो हम आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है, एक्स की वैल्यू की आ गई है थ्री प्लस वाई बाय थ्री। तो हम आप वही सेम, ठीक है, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन टू, तो की है हम आप इक्वेशन टू के उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। तो अपने को है जी देखो इक्वेशन टू नाइन एक्स माइनस थ्री वाई है, तो एक्स नाइन के नाल आप मल्टीप्लाई करेंगे ये सारे, ठीक है, क्योंकि यही तो एक्स की वैल्यू है। तो मेरे को आएगा नाइन थ्री प्लस वाई बाय थ्री, उस तो बाद माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन। तो हम जी अपने को आ जाएगा नाइन है ये की हो जाएगा देखो ये थ्री के नाल कट जाएगा, थ्री थ्रीजा नाइन, थ्री थ्रीजा हम ये मल्टीप्लाई होएगा, ठीक है, थ्री थ्रीजा नाइन प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई, तो ये प्लस थ्री वाई हो गया, ठीक है, ये माइनस थ्री वाई हो गया गा, प्लस थ्री वाई माइनस थ्री वाई इक्वल टू नाइन इक्वल टू नाइन। दैन अपने को आ जाएगा देखो ये थ्री वाई आ, ये थ्री वाई के थ्री वाई कट जाएगा, ठीक है, तो नाइन इक्वल टू नाइन आ जाएगा। देखो इस ढंग के ना आप जी वाई है उसकी वैल्यू आप फाइंड ही नहीं कर सकते, तो आप कहेंगे इतने, ठीक है, भी दिस वैल्यू ऑफ एक्स इज सॉरी वाई इज ट्रू फॉर ऑल ऑल वैल्यूज ऑल, जब आप इस लाइक इदा भी लिख सकते हैं दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफिनाइट सॉल्यूशंस, मतलब कि ये की है बेअंत जां आप कह सकते हैं अनेक हल संभव ने, क्योंकि आप की है जी वाई की जी वैल्यू आ वो फाइंड नहीं कर सकते, तो जो आप वाई की वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते सो आप की है एक्स की वैल्यू भी नहीं फाइंड कर सकते। सो इतने तुम ये लिख सकते हो, ठीक है, तो इतने आके जी सम है फिनिश हो जाएगा। उस तो बाद नैक्सट आप फोर्थ सम है जो आप उसमें सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। फोर्थ सम की कहना जी, हाँ जी फोर्थ सम जे आप गल करिए अपने को है जी जीरो पॉइंट टू एक्स प्लस जीरो पॉइंट थ्री वाई इक्वल टू वन पॉइंट थ्री। उस तो बाद नैक्सट है जी जीरो पॉइंट फोर एक्स प्लस जीरो पॉइंट फाइव वाई इक्वल टू टू पॉइंट थ्री।
ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਢੰਗ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੋਮ ਓਕੇਸ਼ਨ ਵਨ ਐਂਡ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਫਰੋਮ ਓਕੇਸ਼ਨ ਵਨ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਓਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ, 0.2 ਐਕਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਗਾ, 1.3 ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 0.3 ਵਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 0.3 ਵਾਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਕਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਐਕਸ ਦੇ ਨਾਲ 0.2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਤਾਂ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਕੱਲਾ 1.3 ਮਾਈਨਸ 0.3 ਵਾਈ ਵਾਈ 0.2। ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੁੱਲ ਫਲੈਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਐਕਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਾਂਗਾ, ਸਬਸਟੀਟਿਊਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਐਕਸ ਇਨ ਓਕੇਸ਼ਨ ਟੂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਓਕੇਸ਼ਨ ਟੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਐਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 0.4 ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 0.4 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 1.3 ਮਾਈਨਸ 0.3 ਵਾਈ ਵਾਈ 0.2 ਪਲੱਸ 0.5 ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ 0.2 ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਗਾ, 0.2 ਦੇ ਨਾਲ 0.4 ਨੂੰ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.2 ਆ ਜਾਏਗਾ। 0.2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0.2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ 0.4 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 0.2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 13। 13 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ 0.2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਸੋਰੀ 0.2 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 0.4 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਆਏਗਾ ਨਾ, 2 ਆਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ 0.4 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਏ 0.2 ਮੈਂ ਕੱਟ ਦਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ 2 ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਜਸਟ 2 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1.3 ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 2.6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, 2.6 ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸਮ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, 2.6 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ 0.3 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ 0.6 ਵਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ 0.5 ਵਾਈ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ, 2.3। ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2.6, 0.6 ਵਾਈ ਪਲੱਸ 0.5। ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, 0.6 ਵਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਅਤੇ 0.5 ਸੋਰੀ 0 ਪਲੱਸ ਦੇ 0.5 ਵਾਈ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦੇ 0.6 ਵਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 2.6 ਮਾਈਨਸ 0.1 ਵਾਈ, ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ 0.1 ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2.3, ਇਹ 2.6 ਇਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2.6। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਈਨਸ 0.1 ਵਾਈ, 2.3 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 2.6, ਤਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ ਜੀ, 0.3, ਕਾਹਦਾ ਜੀ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਮਾਈਨਸ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਕੱਟ ਗਈ ਆ। 0.1 ਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਇਹ 0.3 ਵਾਈ 0.1 ਫਿਰ ਕੱਟ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ 3। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, 3 ਆ ਗਈ ਆ, ਵਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਆ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵਾਈ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਪੁਟਿੰਗ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3 ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਸੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਪੂਰੀ ਕੰਪਲੀਟ, 0.2 ਐਕਸ ਹੈ ਪਲੱਸ 0.3 ਵਾਈ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.3 ਹੈ। ਤਾਂ 1.3 ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜਾਂਗੇ, 3, 0.2 ਐਕਸ ਪਲੱਸ 0.3 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1.3। ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 0.2 ਐਕਸ ਪਲੱਸ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 0.9
इक्वल टू 1.3, 0.2x इक्वल टू 1.3 आ 0.9 इधर साइड जाके होगा 0.9 माइनस का, तो यह आ जाएगा जी 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 की आ जाएगा जी 0.4। एक्स के नाल 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके की हो जाएगा डिवाइड 0.4 बाय 0.2, 2 टू 4। तो अपने को स्टूडेंट्स की आ गया एक्स की वैल्यू की आ गई है 2, एक्स की वैल्यू की आ गई है 2 एंड वाई की वैल्यू की आ गई है 3। ये अपना आंसर आ गया है। बस जस्ट आप ध्यान रखना है मैथ के जोड़े रूल ने उन्होंने वायोलेट नहीं करना। तो नैक्सट हूँ आप अपना जो फिफ्थ सम है आप उस वाल वधदे हाँ। हाँ जी जो अपना फिफ्थ सम है वह की कहता है अंडरूट 2x प्लस अंडरूट 3y इक्वल टू 0, अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y इक्वल टू 0। तो बिल्कुल सेम उ है अपने को क्वेश्चन नंबर 1 है क्वेश्चन नंबर 2 है। तो मैं गल करा फ्रॉम क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 1 के मेरे को है जी अंडरूट देखो 2x मैं एक साइड के उपर रखदा तो दूसरी साइड मेरे को चल जाएगा दूसरी साइड माइनस अंडरूट 3y। हुण जिहड़ा ये एक्स है ठीक है इस दे नाल अंडरूट 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड जाके की हो जाएगा माइनस अंडरूट 3y बाय अंडरूट 2। इतने आप एक्स की वैल्यू फाइंड कर ली है ठीक है एक्स की वैल्यू की आ गई है माइनस अंडरूट 3y बाय अंडरूट 2। तो हूँ आप सेम ठीक है स्टेटमेंट लिखते हैं सबस्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 2, मतलब कि इक्वेशन 2 के जी एक्स की वैल्यू है वह पुट करनी है। तो इतने मेरे को है देखो क्वेश्चन 2 की कहती है अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y। तो अंडरूट 3x की जगह पर सारी जी वैल्यू है वह आ जाएगी माइनस के अंडरूट 3y बाय अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 8y। तो माइनस अंडरूट 8y के मेरे को आ जाएगा तो 8y इक्वल टू 0 है। तो हुण मेरे को आ जाएगा जी इत्थे हुण अपने कोल की हो जाएगा जी इत्थे देखो अंडरूट 3 है जिहड़ा इह अंडरूट 3 दे नाल मल्टीप्लाई होएगा ठीक है तो अपने कोल की आ जाएगा अपने कोल आ जाएगा 3 तो यह आ जाएगा जी अपने कोल 3y बाय अंडरूट 2 माइनस अंडरूट 8 नूं आपां लिख भी सकते हैं वैसे की लिख सकते हैं 2 एंड 2 इदां भी लिख सकते हैं बाई। तो हुण अपने कोल की है वैसे उहदा कोई फर्क नहीं पैना तो अपने कोल की आ गया देखो 3y तो इत्थे अपने कोल आ गया जी यह 3y दे विच देखो इत्थे y है इत्थे y है y नूं मैं बाहर ले लैना तो अपने कोल देखो अंदर आ जांदा गा 3y अंडरूट 2 तो इहदा भी फर्क देखो 2 बाहर आ जाएगा अंडरूट 2 y आपां बाहर ले लिया इक्वल टू 0। तो हुण देखो जी जिहड़ा y है यह टोटल आपां कह सकते हैं इहदे नाल मल्टीप्लाई हो रहा इधर जाके की हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो 0 हो जाएगा। तो कहने का भाव है भी y इक्वल टू साढ़े कोल कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी ठीक है जी। तो उस तों बाद हुण y इक्वल टू 0 तो हुण आपां की है y इक्वल टू 0 अपने कोल आ गई है पुटिंग अप दी के पुटिंग बाय पुटिंग y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन देखो किसी भी इक्वेशन के पुटअप कर लो 2 के पुट कर लो देखो की आ गया अंडरूट 3x माइनस अंडरूट 8y इक्वल टू 0 आ गया। तो हुण अपने कोल की आ गया
एंड रूट थ्री एक्स है, ठीक है, तो बाई की जगह पर आप पुट अप करा जीरो पुट करा सॉरी, ठीक है, जीरो पुट करते हैं तो मेरे को आ जाता जी एंड रूट थ्री एक्स माइनस जीरो इक्वल टू जीरो। तो हूँ अपने को आ गया एक्स आ गया है, ठीक है, तो एक्स के साथ जा होर देखो जी, देखिए आप जे इतने आप ना पुट करते हैं तो आप क्वेश्चन नंबर थ्री के पुट कर सकते हैं। देखो अपने को एक्स इक्वल टू माइनस एंड रूट थ्री वाई एंड रूट टू आया सीगा, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री के पुट अप कर लेने आप, ठीक है। तो क्वेश्चन थ्री के अपने को है एक्स इक्वल टू माइनस एंड रूट थ्री बाय एंड रूट टू मल्टीप्लाई एक्स, एक्स की जगह मतलब कि जीरो, हाँ सॉरी बाई, बाई की जगह थे जीरो, तो एक्स इक्वल टू फिर अपने को जीरो हो गया। तो कहना भाव भी है एक्स भी तो वाई भी इक्वल टू दोनों जीरो के इक्वल होनी है, ठीक है, ये अपना आंसर आएगा। तो हम जी आप नैक्सट सवाल वाल बढ़ते हैं, ठीक है। नैक्सट सम अपना की कहना गा, नैक्सट सम के है जी जिदा कि अपने को सिक्स सम, सिक्स सम अपने को थ्री एक्स बाय टू माइनस फाइव वाई बाय थ्री इक्वल टू माइनस के टू एक्स बाय थ्री प्लस बाई बाय टू इक्वल टू थर्टीन बाय सिक्स। हाँ जी, तो इस अपने को है इक्वेशन नंबर वन हो गया, इक्वेशन नंबर टू हो गया। तो हम फिर मेरे को है फ्रॉम इक्वेशन वन, चलो टू तो ले लें आप, वन तो ले लो जिस तो मर्जी ले लो, फ्रॉम इक्वेशन टू ले लो इसकी, फ्रॉम इक्वेशन टू, इक्वेशन टू के अपने को है देखो आप एलसीएम लवेंगे एक्स बाय थ्री प्लस बाई बाय टू इक्वल टू थर्टीन बाय सिक्स, तो थ्री टू सा सिक्स आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा। हम देखो थ्री दे मैं डिवाइड कर देंगे टू आएगा, टू नू एक्स नाल मल्टीप्लाई करांगा टू एक्स, टू तो मैं सिक्स नू डिवाइड करांगा थ्री आएगा, थ्री नू वाई नाल थ्री वाई इक्वल टू थर्टीन बाय सिक्स। हुण आपां इसनू की कर सकते हैं जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के वास्ते अपने को सिक्स नू टू एक्स प्लस थ्री वाई दे नाल मल्टीप्लाई करांगे एंड थर्टीन नू आपां जस्ट सिक्स दे नाल मल्टीप्लाई करांगे, तो यह आ जाएगा जी अपने को सिक्स टू जा ट्वेल्व एक्स प्लस थ्री सिक्स जा एटीन बाई इक्वल टू थर्टीन सिक्स जा सेवनटी एट, तो सैवनटी एट आ गया। ट्वेल्व एक्स है जी अपने को, ट्वेल्व एक्स इक्वल टू यह आ जाएगा जी सैवनटी एट ए माइनस एटीन बाई। हुण ट्वेल्व ही इधर की है अपने को मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाके की हो जाएगा सैवनटी एट माइनस एटीन बाई बाय ट्वेल्व, ये अपने को एक्स की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हम अपने एक्स की वैल्यू इसमें पुटअप कर देंगे, सेम स्टेटमेंट लिखांगे सब्सटीट्यूटिंग वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन, वन दे विच पुटअप कर देंगे आप। तो इक्वेशन वन मेरे को है देखो थ्री एक्स बाय टू माइनस फाइव बाय इक्वल टू माइनस टू, तो उसे पुट कर देंगे वैल्यू, तो थ्री दे नाल इस टोटल सारे नू सैवनटी एट माइनस एटीन वाई बाय ट्वेल्व, तो उसके नीचे टू प्लस फाइव वाई बाय थ्री इक्वल टू माइनस दे टू। तो हूँ यह जी कट जाएगा थ्री फोर जा ट्वेल्व उपर कट गया है, तो नीचे आ गया सैवनटी एट माइनस एटीन बाई, सैवनटी एट माइनस एटीन बाई आ गया बाय फोर, उस तो बाद नीचे आ जाएगा टू बाई वन बट इक्वल टू अ प्लस कहते फाइव वाई बाय थ्री इक्वल टू माइनस टू, समझ आ रहा जी। तो उस तो बाद हम जी अपने को आप इसमें सॉल्व करना गा, ये अपने को आ गया सैवनटी एट माइनस एटीन वाई बाय फोर, ए वन टू बाय वन है ये आखिर जाएगा वन बाय टू प्लस फाइव बाय बाई बाय थ्री इक्वल टू माइनस टू, ये आ गया जी अपने को सैवनटी एट माइनस एटीन वाई, देखो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं जी आप, बाय एट प्लस फाइव वाई बाय थ्री इक्वल टू माइनस टू। हम अपने को जी सैवनटी एट माइनस एटीन वाई, तो हम आप करा देखो एट प्लस एट एंड थ्री का आप जो डिनोमीनेटर ने इन्हें आप एलसीएम लवेंगे,
तो एट देखो नीचे आप एट एंड थ्री का एलसीएम लैने तो अपने को आएगा 24 आएगा ठीक है जी। हुण आपां की है 24 के उपर जो आप एट नूं डिवाइड करते हैं तो अपने को आएगा 3 आएगा। 3 नूं आप मल्टीप्लाई करांगे देखो 78 माइनस 18 वाई देना 78 थोड़ा सवाल लंबा हो गया 78 माइनस 18 वाई दे नाल मैं 3 नूं मल्टीप्लाई करांगा उस तो बाद प्लस 8 दे नाल किनू करांगा 5 वाई नूं 5 वाई नूं मैं कदे नाल करांगा 8 नाल करांगा चलो बैक ते कर देना इक्वल टू माइनस दे 2 ठीक है जी माइनस दे 2 आ गया तो 78 दे उपर मैं कर दूंगा तो 8 थ्रीज़ा 24 7 थ्रीज़ा 21 21 प्लस 2 23 तो उस तो बाद आ जाएगा जी अपने को माइनस 18 वाई सी ठीक है 18 वाई नूं आपां करदे हां ये आ जाएगा जी 54 वाई प्लस ये आ जाएगा जी 40 वाई बाय 24 इक्वल टू माइनस 2। हाँ जी अपने को माइनस दिया प्लस दिया तो माइनस दे अपने को 234 ए बच गया एक तो एक माइनस दे 14 वाई ए बच गए ने बाय 24 बच गया गा इक्वल टू माइनस 2 भी बच गया गा। हुण अपने को की है आप इस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे को आ जाएगा 234 माइनस 14 वाई इक्वल टू 24 टू जा 48 कहदा जी माइनस का तो अपने को आ गया जी माइनस 14 वाई इक्वल टू माइनस 48 ये उधर जाके माइनस का हो जाना है 34 माइनस 14 वाई इक्वल टू ए प्लस हो जाना है ठीक है 4 8 4 12 4 3 7 7 प्लस 1 8 8 आ जाएगा उस तो बाद 2 का 2 माइनस ए तो हम माइनस नाल माइनस कट जानी है तो वाई इक्वल टू 2 2 8 2 वाई 14 तो यह आ जाएगा जी 14 टू जा 28 फिर 2 0 14 वन जा 14 सॉरी 0 लग जानी सी 14 2 जा 28 उस तो बाद 2 है तो 2 की जगह पर अपने को इतने आ जाएगा लाइक अपन ये लगता जी आप थोड़ी मिसटेक कर गए इतने मिसटेक कितने की है आप इतने अपने को माइनस सी देखो उपर माइनस सी आप इतने प्लस ले लिया देखो इतने भी माइनस है इतने फिर माइनस है इतने फिर माइनस है इतने भी माइनस है इतने भी माइनस है एंड इतने भी माइनस है तो हम माइनस माइनस ये प्लस हो जाएंगे जी कि आ जाएंगे 94 बाकी सारा सब अपना ठीक चल रहा सी फिर इतने माइनस दे आएंगे ठीक है इतने फिर माइनस दे 94 आ जाएंगे ठीक है इतने फिर माइनस दे 94 आ जाएंगे इतने फिर माइनस दे 94 आ जाएंगे इतने फिर माइनस दे 94 आ जाएंगे ठीक है जी। देखो सिर्फ माइनस प्लस करके तो 94 देखो हम आप 94 जो मल्टीप्लाई करते हैं लाइक 94 जो आप करते हैं जी 3 के उपर मान लो ठीक है 94 जो आप 3 के उपर मल्टीप्लाई करते हैं दैन अपने को आ जाएगा कट जाएगा वाई इक्वल टू 3 आ गया तो हम आप वाई की जी वैल्यू आ वाई इक्वल टू 3 है ठीक है इन पुट कर देंगे ठीक है किसी भी क्वेश्चन के एक्स बाय 3 प्लस वाई वाई की जगह से आप 3 पुट करा 3 बाय 2 इक्वल टू 13 बाय 6 तो हम अपने को फिर आ गया एलसीएम 6 फिर 3 से डिवाइड किया 2 आ गया फिर ये 2x आ जाएगा ए 9 आ जाएगा इक्वल टू 13 बाय 6 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये मल्टीप्लाई होएगा 6 टू जा 12x प्लस 9 6 जा 54 13 6 जा 78 12x 78 ये माइनस के हो जाएंगे 54 12x इक्वल टू 8 माइनस 4 ये आ जाएगा जी 4 7 माइनस 5 2 x इक्वल टू 24 बाय 12 इक्वल टू 2 इस ढंग के नाल आपके एक्स इक्वल टू 2 आ जाएगा वाई इक्वल टू 3
ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਥੈਂਕਸ ਫੋਰ ਵਾਚਿੰਗ, ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ।